पिछले कुछ समय से एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन में अब दोस्ती हो सकती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के मिलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दुनिया के दो ताकतवर नेता मई में मुलाकात कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग यू योंग ने ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मीटिंग के कुछ घंटे बाद ये जानकारी दी। कोरियन लीडर किम जोंग उन सेड ही इज कमिटेड टू डीन्यूक्लियराइजेशन। किम प्लेज्ड दैट नॉर्थ कोरिया विल रिफ्रेन फ्रॉम एनी फर्दर न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट। ही अंडरस्टैंड्स that the routine joint military exercises between the Republic of Korea and the United States must continue. And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. The Republic of Korea, along with the United States, Japan, and our many partners around the world, remain fully and resolutely committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula. हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये मुलाकात कहां होगी, लेकिन इतना तय है कि ये मुलाकात मई के आखिर तक होगी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट रोकने की बात कही है। दोनों देशों के बीच एक काफी बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। हाल ही में दोनों नेताओं की ओर से लगातार बातचीत करने को बल दिया जा रहा था, जिसके बाद अब ये ऐतिहासिक मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच ये किसी भी तरह की पहली आधिकारिक बातचीत होगी। बता दें कि दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कई तरह की टिप्पणियां की जा चुकी हैं, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन को रॉकेट मैन कह चुके हैं, तो वहीं किम भी डोनाल्ड ट्रंप को सनकी बता चुके हैं। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।